हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के विधानसभा 370 में। अपना दल के वरिष्ठ समाज सेविक हैं, टिकट के लिए भी दावेदारी किए हैं। इनको जनता बहुत प्यार करती है और इनका नाम है आनंद दुबे जी। अपने क्षेत्रवासियों के लिए इन्होंने बस सेवा भी चालू किया है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू के लिए, सभी जात धर्म चाहे जो धर्म के हो सब उस बस में सवारी कर सकते हैं। और इनसे बात भी करेंगे। आज 26 जनवरी है, इन्होंने पत्रकारों को भी सम्मान आज किया है और इनसे हम सवाल पूछेंगे। अपना दल यश की विधायक यहाँ को वर्तमान डॉक्टर लीना तिवारी जी हैं। आजकल आप चर्चा में बने हुए हैं, जो नवयुवक हैं, जो बुजुर्ग हैं, कहीं जाने पर भी इनका ही नाम आता है। सबसे पहले सर, हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताइए सर, आजकल आप क्षेत्र में आपकी चर्चा बनी हुई है, आप जनता को क्या कहेंगे 26 जनवरी की? जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके चैनल के माध्यम से। सब समस्त मड़ियाहों के क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूं सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और बाकी क्षेत्र में जो भी हमसे जुड़ा है, हर समाज के हर वर्ग के लोगों से मेरा लगाव है। और विधायक बनेंगे तो एक पंडित समाज के लिए नहीं बनेंगे, सर्व समाज के विधायक रहेंगे। और जो भी हमको वोट देंगे, जो नहीं देंगे, उनका भी मैं प्रतिनिधित्व करूंगा। कुछ लोग कहते हैं अपना दल एस की विधायक वर्तमान में डॉक्टर लीना तिवारी जी हैं, लेकिन आप उनसे बगावत क्यों कर रहे हैं कि आपको जनता पसंद कर रही है, क्या करें आप बताइए? बगावत की कोई बात नहीं है भैया, हम भी देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमारी भी है, हम सेवा भाव कर रहे हैं। जनता को लगेगा, पार्टी को विश्वास अगर हम पे आएगा तो टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। बगावत की कोई बात नहीं है, वो हमारी बड़ी बहन है लीना जी, पार्टी के विधायक हैं। हम पिछले चुनाव में उनका सहयोग भी किए थे, क्षेत्र में उनके साथ बराबर कंधे से कंधे मिला के चले थे, प्रचार प्रसार किया था हमने पार्टी में रहने के कारण। कल रामपुर में मैं चुनावी चर्चा कर रहा था, वहाँ के कुछ नवयुवक हैं जो और बुजुर्ग हैं, आपकी चर्चा बनी रहती है क्षेत्रों में, अपना दल यश के समाज सेवी हैं, क्या आप गरीबों के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? एक सोच है भैया, भावना है, तभी तो हमने देखिए आप बस सेवा जो शुरू किए हैं एक सोच का ही परिणाम है। हम लोग भी अपने बचपन में वो सब फेस किए हैं, आज माँ विंध्यवासिनी ने हमको उस योग्य बनाया है, एक सोच है, तभी तो। कभी न कभी ऐसा रहा है कि पैसा बीच में कारण आता था कि हम लोग भी दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, तो सबके लिए ये मेरा सोच है, जो भी है, जो सक्षम है वो भी जाए, जो असक्षम है वो भी जाए, सब सेवा भाव है मन में, तभी तो कर रहे हैं। मड़ियाहों विधानसभा में मैं देख रहा हूँ रोड की स्थिति बहुत ख़राब है सर, और आपसे मेरा और सवाल है, गरीब असहाय लोगों को लोग ध्यान नहीं देते विधायक बनने के बाद। मैं सभी पार्टी का बात कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी का विधायक बनता है तो गरीबों को ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप बिना पद के रहकर भी लोगों का सेवा करते हैं। आप अगर विधायक बनेंगे अपने क्षेत्र को, जनता को, गरीबों को क्या रोजगार देंगे? हमारी प्रथम वरीयता रहेगी मड़ियाहों क्षेत्र के लिए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे दिमाग में चल रही है और हमारी टीम भी लगी हुई है, आगे भी इस पे काम कर रहे हैं। जैसे पर्यटन वगैरह को मड़ियाहों में बढ़ावा देना है, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं हम जो कि मड़ियाहों में ले आएंगे। स्वास्थ्य सेवा वगैरह को लेके हॉस्पिटल वगैरह का निर्माण करवाना, वो किस हिसाब से ले आना है आने वाले समय में आप लोग को मैं बताऊँगा करके। इस बार क्या माहौल चल रहा है यहाँ की जनता की? मड़ियाहों में भाजपा अपना दल कंबाइन सीट निकलेगा, जीतेंगे हम लोग, और प्रदेश में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग 350 सीट जीत के ला रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, सरकार बनेगी भाजपा की। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने चाहने वालों को 26 जनवरी को किस प्रकार बधाई देंगे? जी, सभी से मेरा अनुरोध है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ व बधाई है, और उसी के साथ अनुरोध भी है, अभी जैसे कोविड का गाइडलाइन चल रहा है, हम लोग क्षेत्र में नुक्कड़ सभा वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, मास्क लगाइए, सब सुरक्षित रहिए, मैं यही माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करूँगा सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कहीं कहीं सर देखा हूँ मैं, गरीबों को आवास की व्यवस्था है, आवास नहीं मिला, लेकिन जो जो अपात्र हैं उनको आवास मिल गया है, आप
उनको किस नज़रिए से देखूँ? भैया, हमारी सरकार की योजना है जिसमें प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत 43 लाख आवास मिला है। एक दिन में तो सबका घर नहीं बन जाएगा, आप लोग भी जानते हैं। पूर्व की सरकारों में ये सब व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण आज हम लोग फेस करना पड़ रहा है। अगली टर्म में आने दीजिए सरकार को, और भी जो पात्र लोग हैं उनको भी मिले। इस बार कुछ लोग कहते हैं कि अपना दल या जो है इस वर्तमान में विधायक डॉक्टर लीना तिवारी जी हैं, उनका जलवा यहाँ कायम है, फिर यहाँ की विधानसभा सीट भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, बसपा, तमाम ऐसी पार्टियाँ कहते हैं इस बार उनका दाल नहीं गलेगा, आप क्या? समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है मड़ियाहों में, ठीक है। ये लोग सरकार में, जनता त्रस्त रही है, तभी तो हम लोग को अवसर मिला है भाजपा अपना दल कम्बाइन को। सपा की सरकार में आप भी जानते हैं बिजली व्यवस्था क्या थी, 8 घंटा 6 घंटा बिजली आती थी। कुछ चुनिंदा जिलों में उनके, जैसे मैनपुरी हो गए, सैफई हो गए, वहाँ पे बिजली व्यवस्था रहती थी। आज ऐसा नहीं कि जाति देख के पंडित जी के घर में बिजली 20 घंटा है, बाबू साहब के यहाँ है, यादव जी के यहाँ नहीं है, ऐसा व्यवस्था नहीं है। सरकार की योजनाएँ हैं, सबके ऊपर क्रियान्वित हो रही हैं, अच्छी व्यवस्था है, सरकार अच्छे से चल रही है, जनता लाइक भी कर रही है, इसीलिए पुनः फिर सरकार में आएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ के वर्तमान समाजसेवी अपना दल यश के हैं आनंद दुबे जी। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहे आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। जय हिंद, जय भारत।